Hello everyone, namaste. This is Tanya Ghosh and you are watching my YouTube channel. अभी मैं और बेला सुबह सुबह वॉकिंग पे आए हैं, तो इसीलिए मेरी हालत ऐसा है क्योंकि मैं जस्ट अभी उठी ही हूँ, ब्रश की हूँ और थोड़ा फ्रेश हो गई एंड उसके बाद बेला इतना ज़्यादा कूदने लगी और जब बाहर आना था तो here is she. कल शाम को भी मैं इसको बाहर लेके गई थी तो शी हैड फन, तो अभी इसीलिए शायद इसको बाहर जाना था एंड बहुत मज़ा आ रहा है इसको ऐसे भी जाके. एंड नाउ द टाइम इज़ अराउंड 6:30, सो अभी वैसे भी ज़्यादा धूप वगैरह है नहीं तो वी आर इन्जॉइंग द वॉक. चलो बेला इस साइड चलते हैं, लेट्स गो दिस साइड. नो बेला, come on Bella, come on, come, yes. ये जब ऐसे दौड़ती तो कितना क्यूट लगती है, पता नहीं मुंह में कुछ ले ली शायद. Did you take something Bella? इधर आओ, इधर आओ, साइड से चलो. Yes, good girl Bella, you're such a good girl Bella. No. चलो 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 चलो. She looks so cute. पीछे से ऐसे बम हिलाते हिलाते, टॉइन 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 टॉइन. चलो 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 चलो. हम वॉकिंग करके वापस आ गए और मेरा चेहरा इसलिए ऐसा है ना क्योंकि मैंने कल रात को तेल लगाया. प्लीज़ डोंट माइंड, आई विल बी बेटर सून. बट मुझे ना एक बात बतानी थी आप लोगों को. मेरी रीसेंट वीडियोस में कुछ लोग मुझे पूछ रहे हैं कि व्हाई डिड आई शिफ्ट टू अ विलेज एंड मैं ऐसे आउट स्टेशन आउटडेटेड जगह पर क्यों रहती हूँ. तो आई वॉन्टेड टू शो यू वन ऑफ द रीज़न ऑफ मी स्टे इन दिस प्लेस इज़ दिस. ये है वन ऑफ द रीज़न मैं रहती हूँ इस जगह पे. डू यू सी द एयर क्वालिटी, इट्स गुड एयर एंड मतलब काफ़ी अच्छा एयर है. तो स्पेशली अगर आपके साथ कोई ऐसे सीनियर सिटीज़न ओल्ड एज पीपल रहते हैं उनके लिए एयर क्वालिटी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है. एंड यहाँ से सिटी इज़ नॉट सो फार, इज़ जस्ट 45 मिनट्स अवे एंड वी आर इन द मिडल ऑफ द सिटी एंड वहाँ का शोर शराबा और पोल्यूशन छोड़ के यहाँ पर शांति से नेचर के बीच में रहना हमें ज़्यादा पसंद है एंड वी वुड प्रेफर दैट ओवर सिटी लाइफ एनी टाइम. आई मीन आई लाइक सिटी लाइफ, मुझे भी सिटी लाइफ पसंद है, मुझे अच्छा लगता है ऐसे सिटी के बीच में रहना, सारी फैसिलिटीज स्विगी जोमेटो एकदम घर पे डिलीवरी कर पाए ऐसे कोई जगह पे रहना. बट आई थिंक मैं कुछ ही दिनों में वहाँ से बोर हो जाऊँगी क्योंकि आई हैव ऑलवेज़ बीन इन अंडमान. मेरा बचपन वहाँ था, मेरी स्कूलिंग वहाँ था एंड ग्रोइंग अप स्टेज आई वॉज इन अ आउटडेटेड प्लेस लाइक अंडमान एंड आई एम प्राउड कि मैं वैसे जगह पे थी. मतलब मैंने वहाँ पे रह के लाइफ में बहुत कुछ वैल्यू करना सीखा है. सो आई रियली लव टू स्टे इन प्लेसेस थोड़ा ऐसे आउटडेटेड एंड बैकवर्ड एंड यू नो पीसफुल ऐसे जगह पे रहना मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ रैदर दैन लिविंग इन अ बिजी रशिंग लाइफ जहाँ पे एक दूसरे के लिए आपके पास टाइम ना हो. सो दीज आर फ्यू ऑफ द रीज़न हम यहाँ पे रहना ज़्यादा प्रेफर किए रैदर दैन लिविंग इन मिडल ऑफ द सिटी. एंड वैसे भी मैं अगर वहाँ पे रहती तो मेरा रोज़ का स्विगी जोमेटो हो जाता, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल प्लस पोल्यूशन प्लस टू मच बिजी लाइफ जब मैं अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं दे पाती. सो आई थिंक दिस इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस और वैसे भी ड्राइव करके इज़ जस्ट 45 मिनट्स, सो आई डोंट थिंक कि ये कुछ ज़्यादा है. बैंगलोर दिल्ली जैसे शहर में रह के 45 to 1 hour इज़ नॉट अ बिग डील. वैसे भी हमें कोई ऑफिस नहीं जाना होता है, बाबा का क्लिनिक यहीं पे है, घर के सामने ही है. मॉम इज़ इन द होम एंड शी डजन हैव टू गो एनीवेयर फॉर ड्यूटी, उनका रिटायरमेंट हो चुका है एंड मेरा भी घर से ही काम होता है. जब मुझे मीटिंग या कुछ ऐसे शूट वगैरह करने के लिए जाना होता है इधर आई ड्राइव और आई गेट अ ड्राइवर. सो ऐसे कोई प्रॉब्लम तो होता नहीं है, मज़ा ही आता है यहाँ पर रहने के लिए. मैंने नहा लिया है एंड मैं इतनी तैयार हूँ कि इसलिए बैठी हूँ, मतलब मैंने सिर्फ कॉस्ट्यूम पहना है, अभी तक मेकअप नहीं किया है, वो मैं ऑन कैमरा करने वाली हूँ अपने इंस्टाग्राम के लिए. तो अगर आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो देन यू शुड फॉलो, क्योंकि मैं वहाँ पे काफ़ी डिफरेंट कंटेंट पोस्ट करती हूँ। एंड अभी रिसेंटली तो मैंने बहुत डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स भी करना शुरू किया है अपने इंस्टाग्राम पे, तो यू कैन जस्ट टाइप द यूजर नेम ट्रेंड एंड ब्रेड एंड यू कैन सर्च द नेम एंड उस नाम से सिर्फ मैं इकलौती इंसान हूँ, तो यू विल गेट द प्रोफाइल एंड तानिया घोष नाम भी है उसमें, तो यू कैन जस्ट गो एंड फॉलो मी देयर फॉर सम डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्टेंट विच इज़ नॉट यूजुअल इन यूट्यूब एंड या वहाँ के लिए मुझे एक वीडियो शूट करना है तो मैं इसीलिए अभी तैयार होने वाली हूँ एंड दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग एंड मैं फुल जब रेडी हो जाऊँगी तब मैं आपको पूरा अपना कॉस्ट्यूम एंड मेकअप दिखाऊँगी। अभी मैं जाती हूँ अपने इंस्टाग्राम के लिए कॉन्टेंट शूट कर लेती हूँ एंड मैं उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। और ये नो मेकअप फाउंडेशन है, नो मेकअप फाउंडेशन, ये नो फाउंडेशन मेकअप है एंड मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मैं अभी इन सबको निकालने वाली हूँ और करने वाली हूँ क्योंकि बहुत गर्मी हो रहा है, तो मैं सोची कि इससे पहले कि मैं चेंज करूँ मैं आपको सब कुछ दिखा दूँ। और ये है मेरा सिंपल मेकअप जो कि अभी बहुत ज़्यादा स्वेटी हो रही हूँ, सो या आई विल गो चेंज एंड देन आई एम गोना सी यू गाइस। सो आई एम वॉकिंग करेंटली, रनिंग प्लस वॉकिंग। सो पिछले एक हफ्ता से मैंने कुछ टारगेट फिक्स किया था टू अचीव एज सुन एज पॉसिबल, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मुझे एक हफ्ता में अचीव करना है या फिर ऐसा कुछ, आई थॉट कि जितनी जल्दी हो सके इट विल बी रियली गुड। तो द क्लोज वांट्स टू मी माइट नो कि मुझे चलना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लाइक आई हेट वॉकिंग, मुझे यहाँ से अगर मतलब हाफ अ किलोमीटर भी जाना हो तो भी आई वुड प्रेफर अ टू व्हीलर और अ फोर व्हीलर, बट आई वुड नॉट चूज़ फॉर वॉकिंग। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मैंने 10,000 स्टेप्स वॉक किया एंड आई हैव बीन टारगेटिंग इट फॉर अ वीक नाउ एंड आई कांट बी मोर प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि आई वॉज एबल टू डू दिस। बीच में मुझे लगा कि मैं छोड़ दूँ, मैं हार मानने वाली थी, बट आई डिड नॉट स्टॉप बिकॉज मैं दिल में सोची कि दिस इज़ इन माई हैंड, अगर मैं ये कर पाती हूँ तो द थिंग्स विच आर नॉट इन माई हैंड्स वोंट अपसेट मी सो मच, क्योंकि ये मेरे हाथ में था तो ये मैंने ट्राई किया। अगर मैं इसको गिव अप कर देती तो मुझे हर वो चीज़ के लिए बुरा लगता जो मुझे नहीं मिल रहा है, मतलब जो विच इज़ टेकिंग टाइम इन लाइफ जनरली आई एम स्पीकिंग। तो या दिस इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ कि मैं ये कर पाई। Bella, you're going to lie down here with me. तो मेरे साथ यहाँ लेट के यू गोइंग टू रिकॉर्ड, नो 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 चैटिंग, Bella. Bella, look here. Bella, look in the camera, Bella. यहाँ देखो, मौसम अचानक से बदल गया है, बाहर एकदम ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, लगता है बारिश आने वाला है, बिजली भी खड़क रहा है, बट यहाँ पे मैंने सब दरवाज़ा और खिड़की बंद कर दिया है क्योंकि पानी अंदर आता है तो इसलिए थोड़ा गर्मी हो रहा है, बट बाहर में बहुत ठंडा हवा चल रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं दरवाज़ा खोल के सोऊँ, बट अगर मैं वैसा करती हूँ तो पूरे घर पर फ्लड आ जाएगा। एनीवेज आज का व्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ एंड मैं आपसे मिलूँगी कल के व्लॉग में। तो अगर आज का व्लॉग देखकर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, अगर नहीं आया तो भी बता देना एंड मैं आपसे मिलती हूँ अपने कल के व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट एंड आई लव यू ऑल, बाय। How cute! Bella sleeps like this and that is so cute. अब अपना खिलौना लेके सोती है साथ में, आधा रात को यहाँ सोती है फिर वो मेरे बेड पे आ जाती है क्योंकि रात को यहाँ पे बहुत गर्मी हो जाता है, मतलब फर्स्ट हाफ स्पेशली, और फिर जैसे ही रात गुजर के जाता है तो थोड़ा ठंडा हो जाता है, फिर वो आती है, मैं ऐसे ही लेटती हूँ तो फिर वो यहाँ पे आके मेरे पैर को चाटने लगती है, फिर उसको मेरे को टॉयलेट करवाती हूँ और फिर अपने साथ सो जाती है।